कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो वंचितों के लिए, गरीबों के लिए पहले से विशेष प्रावधान किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि वो ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोरोना टीकों की उपलब्धता और उसके रेट यानी कीमतें, आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया कराने संबंधी उसके निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करें। इन सभी मुद्दों पर अगली सुनवाई पर जवाब भी दाखिल किया जाए। अदालत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इससे मुकाबला करने की योजना बनानी चाहिए ताकि भविष्य में इससे निपटा जा सके। जब तक कोई ठोस नीति नहीं बन जाती, किसी भी मरीज को अस्पताल में दाखिल करने और जरूरी दवा देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी के पास अगर परिचय पत्र नहीं है तब भी उसे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति आज रात या फिर उससे पहले ठीक कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर सूचना रोकने या किसी भी मंच पर मदद मांग रहे लोगों का उत्पीड़न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह कहा है कि केंद्र और राज्य की सरकारें एक तरह से लॉकडाउन पर विचार करें और जब लॉकडाउन किया जाए तो सबसे पहले ध्यान रखा जाए उन लोगों का जो शोषित हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत न होने दी जाए, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, दवाओं की बात हो या फिर उनके लिए भोजन की बात हो, यातायात की बात हो, इन सारी चीजों की व्यवस्था पहले से की जाए।